ग्वालियर में जल संसाधन विभाग की 2 करोड़ से अधिक कीमत की जमीन पर कब्जा कर रखा है। ग्वालियर चंबल अंचल की सबसे बड़ी शराब फैक्ट्री एल्को ब्रू के रसूख के सामने प्रशासन के एंटी माफिया अभियान की हवा निकल गई। जल संसाधन विभाग को जमीन वापस लेने में अब पसीने छूट रहे हैं। इसको लेकर कई बार जिला प्रशासन से जल संसाधन विभाग के अधिकारी जमीन से कब्जा हटाने के लिए पत्र लिखकर एसडीएम प्रदीप तोमर से मदद भी मांग चुके हैं। वहीं कलेक्टर को भी इस मामले की जानकारी दी गई, लेकिन न जाने क्यों इस फैक्ट्री के जमीन से कब्जा नहीं हट पाया है। लिहाजा इसको लेकर कांग्रेस ने अब सवाल भी खड़े किए। कांग्रेस का कहना है कि कलेक्टर का एंटी माफिया अभियान गरीबों को उड़ाने के लिए। दो हजार 2013-14 में इसका आकलन कराया गया था और माननीय तहसीलदार महोदय के आदेश, उनके न्यायालय से एक आदेश पारित हुआ था। उसमें 1,87,00,000 रुपया से ऊपर की इस भूमि का मूल्य उन्होंने लगाया था और लगभग 2,00,000 रुपया उस समय जुर्माना भी किया था, बेदखली के आदेश किए गए थे। विभाग तब से निरंतर प्रयास कर रहा है कि हमारी ज़मीन खाली हो जाए और CPC के प्रावधान के अंतर्गत जो भी अब कार्रवाइयाँ होनी है बेदखली की, वो SDM कोर्ट से होनी है और वरिष्ठ अधिकारियों के ऊपर से होनी है। हाँ, तो उधर हमने लिखा हुआ है, अब उधर से जब भी कार्रवाइयाँ होंगी तब वो खाली होगी ज़मीन। नहीं, ये तो अभी JCB आई हुई है और ये चूंकि ये चतुर्भुज राठौर, जिसके विरुद्ध अभी विगत सप्ताह ही एक केस दर्ज हुआ था पॉस्को एक्ट में, तो उसके मकान पर हम लोगों ने कार्रवाई कर रहे हैं। बगैर अनुमति ही उसका मकान बना हुआ है, इसलिए उस पर कार्रवाई कर रहे हैं। जो संपन्न लोग हैं उनको तो यह पूरा पोषण देती है और इस तरह के बड़े जो फैक्ट्री वाले हैं, बड़े लोग हैं, उनसे चंदा लेती है। इस वजह से जो है उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो पाती है, जबकि ये केस जो है बहुत स्पष्ट है। इसमें सीधे सीधे कोर्ट ने भी डिसीजन दे दिया, इरीगेशन की जगह है और उस समय उसकी कीमत 2,18,00,000 आंकी गई थी, लेकिन आज उसकी कीमत और बढ़ गई है। कांग्रेस ने तो ये मानसिकता बना ली है कि चाहे कितना भी अच्छा काम हो, हमें अच्छे काम की भी आलोचना करना है। इसलिए कांग्रेस की ये स्थिति है। जनता सब जानती है कि जनता का हितैषी कौन है, जनता के लिए कौन ने क्या किया है। जनता ने इनका भी शासन देखा था 15 महीने का। मैं ये कहना चाहूँगा कि कोई भी आरोप लगाने से आरोप सिद्ध नहीं हो जाते हैं। आरोप लगाने में क्या है, किसी का भी नाम ले दो, कुछ भी कर दो,